नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों सूर्य के तेज से भी ज्यादा तेज हो चुकी है। पल पल बदलती राजनीति और पल पल बदलते समीकरणों के सियासतदानों को मुश्किल में ला दिया है। किसकी चाल कितनी बेहतर है, कौन किस पर हावी है, इसी की जद्दोजहद में सियासी गलियारों में दंगल चल रहा है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी के होश फाकता हो रखे हैं। चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सियासतदानों के सपनों में अब विधानसभा चुनाव की गूंज सुनाई देने लगी है। सत्तासीन बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और दिल्ली में विधानसभा को साधने के लिए बड़ी बैठक चल रही है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे कि इन मंथनों का दौर कब थमेगा और इसके जरिए क्या रणनीति बनाई जा रही है। वहीं विपक्ष इस वक्त किस रणनीति पर काम कर रहा है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में लगी सियासत की आग की लपट अब दूर से दिखाई देने लगी है। तभी तो दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को यूपी की याद सताने लगी है। भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा, सभी अपने अपने दांवपेच लगाने में जुटे हुए हैं। साल 2022 का चुनाव सिर पर है और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उसकी तैयारियां कहीं से अधूरी रह जाएं। दूसरी तरफ जातीय गुड़ाभाग भी शुरू हो गया है, जिसकी नींव तभी पड़ गई थी जब ब्राह्मण के पैर बीजेपी के खिलाफ जाने लगे थे। जैसे ही ये खबर राजनीति की नदी में तैरने लगी, वैसे ही विपक्ष के सभी राजनीतिक मांझियों ने इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का फैसला कर लिया था। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी परशुराम की मूर्ति लगाकर ब्राह्मण को अपना बनाने का बीज बो दिया था। दूसरी तरफ छोटे दल यानी कि सुभाषपा, AIM, IIM मिलकर एक मोर्चा बनाने की फिराक में है, जिससे किसी बड़े दल के जुड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि होना क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ सत्ता पर काबिज बीजेपी अपने कील काटे दुरुस्त करती दिखाई देने लगी है। कुछ दिन पहले यूपी में बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आलाकमान ने BL संतोष और राधा मोहन को यूपी के दौरे पर भेजा था। उसी के बाद से बीजेपी की तैयारियां अंदर खाने काफी तेज से चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने अपने सांसदों को जीत का मंत्र दे दिया है और उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका के बारे में भी बता दिया है। भाजपा नेतृत्व ने सांसदों से न केवल गांव-गांव जाकर यात्रा निकालने को कहा है, बीजेपी सांसदों को चुनाव के लिए जिम्मेदारी देने को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक का भी आगाज हो गया है। बैठक में आलाकमान जीत का मंत्र अपने नेताओं को दे रहे हैं। बीजेपी की इस बैठक को लेकर अखिलेश ने भी ट्वीट कर हमला बोला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा किया गया एक ट्वीट चर्चा में है, जिसमें उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों से यूपी की दुर्दशा व दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। भाजपा चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, पर अब जनता इन्हें उठाकर और हटाकर ही दम लेगी। आकलन बाद में और झूठी तारीफ पहले, वारे भाजपा। नेताओं की चाल कितनी सटीक और कितनी फिट बैठती है, ये तो इतिहास के गर्व में है। लेकिन जो भी हो, अभी यूपी में सियासत की जंग और भी पेचीदा होने वाली है। आउटपुट डेस्क, प्रेम जी। तो बीजेपी की दौड़ रेस लगाने की जो है उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर वो तेज हो गई है। इसी को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश में ये भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अब अपने सांसदों पर खास फोकस करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव नजदीक है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। वहीं सांसदों को ये हिदायत दी जा रही है कि जमीनी स्तर पर उतरे और इसी के साथ 5 अगस्त को राशन दुकानदारों पर राशन उस बांटने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। 1 लाख लोगों को जोड़ने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी गांव-गांव में अभियान चलाने के ओर अग्रसर होने के तमाम कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है। तो किसानों का मोर्चा भी वही एक तरफ से बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए खड़ी कर सकता है। तो इसको लेकर भी जो चर्चाओं का दौर है वो शुरू है। वहीं विपक्ष लगातार इन बैठकों को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है उसे साफ दर्शाता है। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि ये दर्शाता है कि दुर्दशा कितनी ज्यादा है और इसको हल करने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली और लखनऊ की दूरी भी स्पष्ट कर दी है, लेकिन जो सांसदों को उतारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव से फोकस जो है वो सबसे महम हो जाता है 2022 के चुनाव के लिए, क्योंकि रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव है। इस पे देखना है मुगा कि कौन सी जो पार्टी है वो रेस में सबसे आगे है। लगातार चुनाव हो रहे हैं, लगातार देखा कि पिछले राज्यों के जो चुनाव हुए उसके बावजूद भी मंथन लगातार जारी है। तो वही इसी पर आज चर्चा करेंगे कि बीजेपी की कौन सी ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिसके जरिए वो 2022 में 300 पार सीटों का लाने का दावा कर रहे हैं। तो इस पर बड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज सपा से विवेक पांडे, बीजेपी से अमित त्रिपाठी और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले अमित जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। लगातार मीटिंग जो है वो लगातार आपके खेमे से की जा रही है, तो सबसे अहम जो सवाल इस समय पूछना बन जाता है वो ये कि क्या 2022 के चुनाव में चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे और क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप बैठक की बात करें, बैठक भारतीय जनता पार्टी में जहां तक बैठक का दौर चालू है, ये पहली बैठक नहीं हो गई है। आपने देखा कि इससे पहले भी लखनऊ में लगातार बैठकों का दौर जारी है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लगातार हर समय चुनाव के मोड में रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसको हर समय कहीं ना कहीं देश में चुनाव होते हैं, वहां पर जाकर वो चुनाव लड़ती है। और जहां तक इन बैठक का सवाल है, कल आपने देखा कि कानपुर क्षेत्र से लगे हुए करीबन 44 राज्यसभा और मतलब लोकसभा के मेंबर वहां पर थे और उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने संबोधित किया और एक मैसेज देने का प्रयास किया, मैसेज दिया भी कि आशीर्वाद यात्रा निकाली जाए जिससे जो लोगों के लिए जो प्रदेश सरकार ने काम किए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काम किए हैं, जन जन तक उसको पहुंचाने का काम करें और जो दुष्प्रचार विपक्ष द्वारा किया जा रहा उसको भी बताने का काम करें। और आज सबसे अहम, मैं पहले भी कहना चाहता था, पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएगी और इसी विकास के मुद्दे पर वो जा रही है। आज हम बताएंगे, हमने 4.5 सालों में हमने किसानों के लिए जिस तरीके से आज गन्ना किसानों के लिए हमने 1.40 लाख करोड़ का जो भुगतान किया है, 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, आज जो शिक्षा में जो सरकारी स्कूलों में जो दाखिले 4 करोड़ से ज्यादा सरकारी बच्चों को दाखिले दिलाने का काम किया, आज उत्तर प्रदेश में आपने देखिए कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर पेयजल जो साफ पानी की व्यवस्था स्कूलों में, उसको 1 लाख स्कूलों में पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। आज गांव-गांव बिजली का काम सरकार ने किया है, आज 24 घंटे बिजली प्रदेश में आ रही है। जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इस बार चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, अगर आपको इसका जवाब सुनना है तो आप इससे थोड़ा पीछे जाइए और बनारस में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी ने जब योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की थी और योगी आदित्यनाथ की नीतियों को बताया था, उसी समय स्पष्ट हो गया था कि चेहरा योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे और योगी आदित्यनाथ जी को चेहरा होना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने विकास किया है। आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो काम किए, जो कोविड काल में, यानी हम ये मान ले कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं दर्शाया जाएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री तो हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और वो चुनाव में आएंगे, अपनी भूमिका जो उनको पार्टी द्वारा दी जाएगी एक संगठन के तौर पर, वो उसको निर्वहन करने उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे। और जहां तक कि प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना है, तो जाहिर सी बात है चेहरा मुख्यमंत्री जी का है लेकिन आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का भी रहेगा। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही चेहरा रहेंगे इस बार 2022 के चुनाव में, ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन एक चीज और भी देखी जा रही है अमित जी, जिस तरह से सांसदों की जो कार्य को लेकर, सांसदों का जो इस वक्त दबदबा सबसे ज्यादा बनाया जा रहा है बीजेपी में, कि उनको लेकर जमीनी स्तर पर उतारने की बात हो रही है, इस तरह की भी रणनीति सामने आ रही है। देखिए, समझने वाली चीज है कि भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुखों की पार्टी है, बूथ स्तर की पार्टी है, जो बूथ स्तर से कार्यक्रम तय होते हैं
प्रदेश स्तर के कार्यक्रम तक को नीचे के कार्यकर्ता से लगाकर सांसद हो प्रधानमंत्री जी उसको करने का काम करते हैं। ये पहली बार नहीं होगा, ये आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देखिए, ये समय समय पर होते आया है। और सांसद जैसे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसी तरीके से सांसद भी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे। एक संगठन के तौर पर वो अपनी भूमिका का निर्वहन भी करने जाएंगे, उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता, बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन इस बार भूमिका जिस तरह से सांसदों की खुलकर सामने आ रही है और अहम हो जा रही है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को लेकर, क्योंकि सांसद अब उतरेंगे जमीनी स्तर पर और बूथ बूथ पर जाकर वो प्रचार प्रसार करेंगे, उनको जिम्मेदारियां खासतौर पर सौंपी गई है। देखिए 2014 में जब हमारी केंद्र में सरकार बनी थी उस समय हम उत्तर प्रदेश में नहीं थे, 2017 में जब हमारे चुनाव लड़ने आए हम विधानसभा का, उस समय जो हमारे पास 73 सांसद थे उन लोगों ने अपनी भूमिका उस समय भी निभाने का काम किया था, उसी काम को इस बार भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। आज विषय है कि हम भारतीय जनता पार्टी विकास पर जा रही है कि जातिवाद पर जा रही है। आज जहां विपक्ष जातिवाद की बात कर रहा है वहां हम विकास की बात कर रहे हैं। एक अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया, अखिलेश यादव जी को इतना कितने अपरिपक्व है राजनीति में, इसका उनके ट्वीट से ही झलकता है वो इस विषय में कि उनको पता होना चाहिए कि आज इस समय देश की संसद दिल्ली में चल रही है, वहां पर पूरे सांसद मौजूद हैं, इसलिए दिल्ली में बैठक रखी गई है, ना कि इस वजह से। ठीक है, कहीं ना उन्होंने तो साफ कह दिया है कि दिल्ली और लखनऊ की दूरी इसी से स्पष्ट हो जाती है कि जरूरत पड़ रही है अब लखनऊ से विधायक और सांसदों को भेजने की, कि वहां पर वो रणनीति बना के दे रहे हैं कि आपको ये करना है। ठीक है, इस पर भी मैं आपसे जवाब चाहूंगी, लेकिन विवेक जी अमित जी की बात आपने सुनी, क्या कहना है आपका? उन्होंने साफ कह दिया हम तो विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हमें जातीय समीकरण बैठाने की कोई जरूरत ही नहीं है। कीर्ति जी पूरे मंच को सादर धन्यवाद देते हुए, विशेष धन्यवाद मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यादव को भी देता हूं कि आज भी वो हमारे साथ इस पूरी डिबेट में मौजूद है। रही बात अमित जी की तो ठीक है, वो अपने राजनीतिक दल के हिसाब से व्याख्यान दे रहे थे, मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन एक बात समझने वाली है ना कि आप रणनीति बनाइए, आप दिल्ली लखनऊ की बात करिए, लेकिन जो सत्य था वो तो जनता ने देखा। मैं इनकी एक बात बताऊं कि 7 चरणों के चुनाव में अब तक जिस तरह से इन्होंने विकास और आर्थिक मुद्दों, महंगाई के मुद्दों से भटका करके जी, जिस तरह शमशान, कब्रिस्तान, गधे, कसाब, कट्टा इत्यादि मुद्दों पे उलझा करके जिस तरह से भी जो भी रणनीति बना करके इन लोगों ने चुनाव में अभी तक सफलता हासिल की, चाहे वो सही तरीके से चाहे गलत तरीके से, अगर उनको लगता है तो सही होगा उनके लिए जी। लेकिन उसके साथ ही जो 300 विभिन्न योजनाएं इन्होंने छोटे बड़े स्तर के लिए शुरू की हैं, जैसा उसका दावा किया जा रहा है, उस दावे को अगर आप 2 मिनट दे तो मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल रखता हूं आपके सामने। ये किसान सम्मान निधि प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने का दावा करते हैं और सबसे ज्यादा किसानों का हितैषी बता रहे हैं, किसान आंदोलन चल ही रहा है किसानों के लिए। उत्तर प्रदेश भाजपा का जो ट्वीट है वो भी आपने देखा ही होगा कि वो ट्वीट कम धमकी ज्यादा दिखाई दे रही है। अब अगर इसको तुलनात्मक तरीके से देखेंगी ना तो ऐसे समझिए कि 6,000 रुपए के नाम पे प्रतिदिन 16.43 पैसे दिए जा रहे हैं हर किसान को, और पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में 25 से 30 रुपए किसान सम्मान निधि लागू होने के बाद बढ़ोतरी हो चुकी है। अब किसान और उसके परिवार का एक सदस्य अगर 1 लीटर डीजल या पेट्रोल भी प्रतिदिन उपयोग करता है तो उसकी निधि पर वो भारी है, क्योंकि किसान सम्मान निधि में 16 रुपए मिलते हैं और उसे 1 लीटर पेट्रोल पे 25 रुपए से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। और अगर आप इसको पंप पे या ट्रैक्टर वाले किसानों के आधार पे लेके जाएंगी तो ये आंकड़े काफी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है विवेक जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, कहीं ना कहीं आप मुद्दा किसानों पर ही घुमा फिरा के नहीं, मैं मुद्दा ये बताना चाह रहा हूँ कि जो योजनाएं दिख रही हैं उसके पीछे की जो हकीकत है उसमें जो अंतर है उस अंतर पे बात नहीं हो रही है। जी, ये तो आपने बता दिया कि 6,000 रुपए आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आप ये भी तो बताइए कि उस हिसाब से 1 दिन का 16 रुपए हुआ। लेकिन विवेक जी वो तो साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सपा बैठकों से बेचैन है, इसलिए अखिलेश यादव जो उन्होंने किया है वो भूल चुके हैं, इसी को लेकर वो घेर रहे, तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं थोड़ा टफ हो जाता है फेस करना और स्पष्टीकरण देना जरूरी होता है, चेहरा और साथ ही साथ रणनीति क्या है ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बैठकों से तो कभी कोई भी न दिक्कत में रहा न समस्या में रहा, खासकर अगर सपा की बात करेंगी तो, लेकिन जब अखिलेश यादव धार्मिक यात्राएं करते हैं, कांग्रेस नेत्री बबीता जी भी जुड़ चुकी है, बबीता जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है। ठीक है, विवेक जी आप अपनी कंप्लीट करिए। जब अखिलेश यादव जी धार्मिक यात्राएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, रथ यात्राएं निकालते हैं या किसी भी प्रकार के समागम करने का प्रयास करते हैं,
तो भाजपा में बेचैनी बढ़ती है और वह हर बार कहीं ना कहीं से धार्मिक और जाति आधार लेके प्रहार करने का प्रयास करती है। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव आ रहे हैं, ठीक है ये रणनीति, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी में सपा में बेचैनी बढ़ गई है। राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल रणनीति बनाने में लगा है, ठीक है, हर राजनीतिक दल की ये परंपरा है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको करना भी चाहिए, करता भी है, ठीक है, इसके लिए भी मैं कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से भाजपा का दिल्ली और लखनऊ प्रेम चल रहा है, ये राजनीतिक गलियारों से लेकर पत्रकारिता के गलियारों से लेकर के हर गलियारे में आप चाहें तो इसका आकलन स्वयं कर लीजिए। इस पे मैं टिप्पणी करूंगा तो मैं तो विपक्ष हूं और विपक्ष की बात को सत्ता हमेशा नकारती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जातिवाद, जातिगत बात अगर आप करते हैं तो जातिगत बात का आधार भी देख लीजिए। लगातार अभी मैं अब कहूंगा तो आप कहेंगे आप अपने एजेंडे पे आ रहे हैं, एजेंडा नहीं ला रहा, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अनुशासित बल में जातिगत दुर्भावना की बातें सामने आना, ये आपकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। ये जातिवाद इस चरम सीमा तक पहुंच चुका है कि मेजा प्रयागराज में इनकी जब जिला पंचायत सदस्य पद ग्रहण करने गई तो कुर्सी का गंगाजल से शुद्धिकरण कराया गया, क्योंकि उसके पहले उस पर दलित बैठता था। तो जातिगत मानसिकता चाहे सामाजिक मानसिकता चाहे दुर्भावना की राजनीति किसके अंदर है, ये तो उदाहरण से उदाहरण स्पष्ट करते हैं। मैं आपसे इस पर कमेंट लूंगी, लेकिन बबीता जी से कमेंट पहले ले लेती हूँ। बबीता जी, क्या लगता है, लगातार मंथन जारी है बीजेपी में, उनकी रणनीति तैयार हो रही है, आप एक बड़ी पार्टी होने के बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पिछड़ सी गई है और उत्तर प्रदेश में अस्तित्व बचाने की तलाश में लगातार कांग्रेस जुटी हुई, तो क्या रणनीति है अब आप लोग की 2022 के चुनाव को लेकर? मैं हमेशा कहूंगी कि कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही है और तो होता है कि सरकार का कुछ समय निश्चित होता है, तो कुछ अगर बीजेपी ने अगर समय उसका निश्चित था और बीजेपी ने काल दिखाया है, इन्होंने दुर्भावनाओं से ग्रसित किया है, जो जातिवाद के नाम पर इन्होंने हंगामा किया है, जो कोविड के नाम पर इन्होंने हंगामा मचाया, लाखों को भीड़ बसा दिया भारत, तो इन भी खत्म हो चुका है और अभी बारी नहीं वो कांग्रेस पार्टी की करेंगे और जम के इसका समर्थन करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। मैडम, हर पार्टी को आप देखें कि वो सिर्फ एक रणनीति कह रही है, चाहे वो भाजपा चाहे वो अखिलेश जी मायावती बहन, सबकी रणनीति एक ही है। इस समय सारे आंदोलन चल रहे हैं, ब्राह्मण जोड़ो आंदोलन, तो इन सारे आंदोलन में कभी कांग्रेस इसके भी किसी ब्राह्मण चेहरे को ढूंढते हुए किसी संगठन को या किसी मंच पे इस तरीके की कार्यक्रम को बैठाया जा रहा है, जबकि आप हर पार्टी के अंदर देखेंगे कि बीएसपी अभी सतीश, मैंने बहुत बड़ा खंडन किया था अयोध्या में उनके प्रोग्राम का, अखिलेश जी भी उस मूर्ति लगाने के कार्यक्रम में वो भी लगे हुए परशुराम जी की, तो हर आदमी लुभावने और ये ब्राह्मणों को रणनीति तय कर रहे हैं। सिर्फ एक हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी है जो अभी तक कभी ये नहीं कही है कि ब्राह्मणों की राजनीति खड़ी हो रही है, तो इसका खंडन करती हूँ मैं। क्योंकि काफी सालों से हम देख रहे हैं कि है नहीं कांग्रेस कहीं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, 14 वर्ष तक हर पार्टियों का समय होता है और राज्यकाल और कार्यकाल का समय निश्चित होता है। अभी कांग्रेस की बारी है, 100% कांग्रेस नेतृत्व में होगी, हम जैसे लोग कांग्रेस जाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस आने की आप बात कर रही हैं, आपकी थोड़ी आवाज में भी दिक्कत है, आप प्लीज बबीता जी की एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा। अमित जी, आपको क्या कहना है, जिस तरह से विवेक जी ने भी कहा कि आपकी बातों को लेकर कि विकास की बातें तो हो रही है लेकिन विकास कहीं दिख नहीं रहा है और जो तमाम मुद्दे हैं उस पर विफल साबित हो रहे हैं। 2014 के बाद से इसी उत्तर प्रदेश ने लगातार देखा यही बयान 2014 से अखिलेश यादव देते आ गए, उनके प्रवक्ता भी इसी तरीके के, हर चुनाव में जब एक चुनाव हारते हैं तो दूसरे चुनाव में फिर वही बातें कहते हैं, तो उसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जहां तक मैं बबीता जी की बात सुन रहा था, बबीता जी ने कहा कि कोविड में फेल हो गए, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जी कितने समय बाद यूपी के अंदर आई है, जरा इसकी जानकारी है क्या उनको, कोविड के समय वो कहां थी, जरा मुझे बताने का अगर कोशिश करें, अगर बता सकती हैं तो मुझे बताएं। 1.5 साल के बाद जब कोविड का निकल गया उत्तर प्रदेश में,
बताऊंगी, आगे तो सुन लीजिए, एकदम बताऊंगी। डेढ़ साल बाद उत्तर प्रदेश में आती हैं, जब कोरोना थोड़ा कम पड़ता है, जिस समय कोरोना की महामारी होती है, उस समय दिल्ली में बैठकर सिर्फ ट्वीट और ट्वीट खेलती हैं, और आज बताती हैं कि उत्तर प्रदेश विफल हो गया। देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है, वो प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। लेकिन विवेक जी, मैं फिर अभी वही चीज दोहराई कि आज क्या आलम है कि दिल्ली और लखनऊ की दूरी। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, विवेक जी आप लोग क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो आप लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, आपको आगे की जानकारी नहीं है। और जहां तक राष्ट्रीय पार्टी है, वहां पर हमारे सांसद हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वहां पर बैठक एक तौर पर जेपी नड्डा जी हैं, तो वो बैठक लेते हैं, उसमें दिक्कत क्या हो? इस समय पार्लियामेंट चल रही है, तो जाहिर सी बात है सारे सांसद दिल्ली में मौजूद हैं, तो इसलिए वहां पर इस चीज पे संज्ञान और बैठक का दौर जारी है। इस पर भी कमेंट ले लेंगे, लेकिन पहले मैं दिलीप जी पर जाना चाहूंगी। दिलीप जी से मैं पूछना चाहूंगी, आपको मैंने फोन लगा था, आपकी नेटवर्क भी कुछ बबीता जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप एक बार अपनी वॉइस चेक करा लीजिए, उसके बाद मैं आप पर आऊंगी और आप जवाब दे दीजिएगा अमित जी का जो आपको बात बोलनी हो। दिलीप जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या लग रहा है बीजेपी की रणनीति तो साफ तौर पर समझ में आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की, तो मैं ये समझना चाहूंगी क्या लग रहा है, किस रणनीति पे काम कर रही है, क्या आप कहना चाहेंगे उनकी रणनीति को लेकर? देखिए पहली बात तो जो दिल्ली में ये सांसदों की मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग भाजपा की प्री प्लान्ड मीटिंग नहीं है जी। ये बाय रोटेशन सत्र होते हैं और इस समय मानसून सत्र चल रहा है, और ये मानसून सत्र भाजपा नहीं फिक्स करती है, ये मानसून सत्र पार्लियामेंट के रूल्स में फिक्स्ड है कि कब कब कौन से सत्र होंगे। तो मानसून सत्र जब होगा, जब भी सत्र होगा, तो सारे के सारे सांसद वहां पर मौजूद होंगे, दोनों हाउसेस सभा के भी लोकसभा के भी। इस मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों की मीट वहां पर रखी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि स्पेशल मीटिंग सांसदों की दिल्ली में बुलाई गई है। हाँ ये जरूर है कि योगी जी स्पेशली दिल्ली बुलाए गए हैं इस बात के लिए, क्योंकि योगी जी तो सांसद है नहीं इस समय, ये तो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के। जाहिर सी बात है कि जब सारे लोग पार्टी के सारे सांसद मौजूद हैं, तो आगामी चुनाव जो 22 में होने वाला है और उससे रिलेटेड जो 24 में होने वाला है, उसको लेकर के वहां पर स्ट्रेटजी तैयार करी जा रही है, क्योंकि सारे लोग एट अ टाइम वहां पर मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती तो हर व्यक्ति अपने क्षेत्र से नदारा दे रहा, इस 20 से 25 दिनों के लिए हर आदमी को दिल्ली में रहना मौजूद है, तो इस मौके का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। इस बात से बाकी पार्टियों को सीखना चाहिए, एक तरीके से इसको टाइम मैनेजमेंट भी कहा जाएगा। अब रही बात की जो विपक्षी पार्टियां इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन कर रही, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऑब्जेक्शन जैसी कोई बात है। अगर ये मीटिंग स्पेशल भी बुलाई गई होती तो भी ऑब्जेक्शन जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो हर पार्टी का अपना दायित्व है कि अपने लोगों से मिलकर के आगे की रणनीति तैयार करे, ये सभी पार्टियां करती हैं और सभी पार्टियों को करना चाहिए। इसमें किसी पार्टी की तरफ से मीटिंग को लेकर के ऑब्जेक्शन है, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कहीं कोई दम है। हाँ मुद्दों को लेकर के जाइए, क्या सरकार नहीं कर रही है उसको लेकर के जाइए, ये बातें समझ में आती है। लेकिन कौन सी पार्टी अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने सांसदों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ कब मीटिंग करेगी, इस पे किसी विपक्ष को कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, और ये सभी पार्टी के लिए लागू होता है, चाहे कोई पार्टी। ऑब्जेक्शन तो हो रहा है और सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सांसदों की भूमिका को लेकर दिलीप जी आप क्या कहना चाहेंगे? सांसदों की भूमिका जिस कदर बीजेपी में साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि 2022 के चुनाव में बढ़ा दी गई है काफी ज्यादा। मैं सांसदों की भूमिका पे क्या, मैं तो पूरी सरकार की भूमिका पे सवाल खड़े करता हूँ कि जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो पूर्ववर्ती सरकारें भी नहीं दे पाई और ये सरकार भी पूरी तरीके से नहीं दे पा रही है। कागजों की अगर बात करिए तो कागजों से सन 1950 से लेकर के या 1951 कह लीजिए, 1951 से जब पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हमारे देश में हुए थे, उसके पहले तो सरकार चुन ली गई थी अपनी मर्जी से, 51 के बाद से आज तक 2014 में लास्ट इलेक्शंस हुए हैं, जो भी लास्ट इलेक्शंस हुए हैं तब तक अगर आप सरकारी आंकड़े उठा करके देख लिए तो इस देश में हर चीज चाक चौबंद है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि हर जो सरकार आती है वो पिछले सरकार पे ठीकरा फोड़ती है कि इन्होंने 70 सालों से कुछ नहीं किया, इन्होंने 75 सालों से कुछ नहीं किया, अगली रिजीम आएगी वो उसमें 5 साल और जोड़ देंगे, उसके बाद आएगा उसमें 5 साल और जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक स्ट्रेटजी होती है एक दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ देने वाली, उस पर इस देश की जनता फिसती है, इस देश का डेमोक्रेसी
मरती है और डेमोक्रेसी आज रह कहां गई है। डेमोक्रेसी आज अगर आप देखें तो सिर्फ संविधान में शब्दों में समाहित हो गई है, वास्तविकता में तो कहीं कोई डेमोक्रेसी है नहीं, क्योंकि जब जो सरकार बैठती है वो चीजों को अपने हिसाब से चलाती है, दूसरा अगर कुछ करता है तो उसके ऊपर वो कार्यवाही कर देती है, दुनिया भर के एक्ट बने हुए हैं। और जो जनता को वास्तविक में मिलना चाहिए, मैं फिर कहता हूं कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सेकेंडरी रखता हूं, मैं किसी भी डेवलपमेंट को सेकेंडरी रखता हूं। अगर आज हर व्यक्ति के तन पे कपड़ा है, हर व्यक्ति के पेट में खाना है और हर हाथ को रोजगार है, तो सबसे पहला डेवलपमेंट यही है और सरकारों की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी भी यही है। बिल्कुल दिलीप जी, विवेक जी क्या कहना है आपको, जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है कि 5 सालों में उन्होंने दशकों से चले आ रहे माफिया राज को खत्म किया है, भ्रष्टाचार पर गहरी चोट दी है और विपक्ष इस बार मुद्दे विहीन है, उनके पास मुद्दे नहीं है और सामने योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, बड़ी चुनौती है। देखिए, कहने के लिए कुछ भी कह दीजिए उसको सार्थक रूप से प्रमाणित करना पड़ता है। और रही बात माफिया समाप्त करने की बात, तो मुझे लगता है कि कितने बड़े बड़े माफिया भाजपा के अंदर पदाधिकारी बन के बैठे हैं, इसका आकलन मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरी जनता और पूरी पुलिस व्यवस्था के तंत्र के लोग भी बाकायदा जानते हैं। मैं तो इस बात के लिए सबसे ज़्यादा हमेशा धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने आपराधिक राजनीतिकरण को न होने देने की वजह से जिस तरह से सत्ता गंवाई, जिस तरह से एक आलोचना हुई, जिस तरह से एक हंगामा खड़ा हुआ, उसका विपक्ष ने राजनीतिकरण किया। अगर इस मर्यादा को हम आगे तक ले जाने में सफल होते हैं कीर्ति, तो मैं तो मानता हूं कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा और मुझे लगता है कि मुझे इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर किसी एक आपराधिक राजनीतिकरण को दूर करने का प्रयास अखिलेश यादव जी ने किया है, क्योंकि आरोप तो लगते रहे हैं, आरोप लगते भी रहेंगे, लेकिन हमने सुधार की दिशा में काम किया है, तो मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं कि उन्होंने जो कदम उठाया वो वाकई बहुत ही सराहनीय और साहसिक कदम था, क्योंकि कोई सत्ता गंवा करके आज के समय में शायद ही अपराधियों से दूरी बना सकेगा। और मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर हम वर्तमान राजनीति में बदलाव चाहते हैं, तो मैं तो कह रहा हूं हमारे युवा मित्र बैठे हुए हैं, हमारी साथी बैठी हुई है, दिलीप भैया खुद बैठे हुए हैं, हम तो कह रहे हैं कि अगर युवा जैसे हमारे जैसे युवा राजनीति में आ रहे हैं तो हम तो बदलाव के बयान में विश्वास करते हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई, दिलीप भैया की बात को आगे बढ़ाते मैं कह रहा हूं, आपने अस्पतालों के नाम लिए, सबसे ज्यादा अस्पताल जरूरत है, सबसे ज्यादा मैन पावर होने की, अस्पतालों की बिल्डिंग खड़ी कर देना विकास नहीं है कीर्ति, अस्पतालों की जो आप मशीनों को कल खड़ा कर देना विकास नहीं माना जाता, अस्पतालों के अंदर आवश्यक संसाधनों के साथ सुविधाओं का होना विकास माना जाता है। जब आप कोविड, अब जैसे फिर 22 केस देखिए कानपुर में निकल आए हैं, मैं अगर कहूंगा कि हमको तो आज डिस्कशन बल्कि इस पे करनी चाहिए थी कि तीसरी लहर सामने आ रही है, 22 केस कानपुर में निकल आए हैं और हमको तो यह बात करनी चाहिए कि आपको हमारी कहां जरूरत है बताइए, हम साथ देने के लिए तैयार है, दो गलतियों से तो हम सीख चुके हैं ना। और दिलीप भैया सामने बैठे, मैं तो कह रहा हूं कि इस बार आप अपने अधिकारियों पर विश्वास न करके, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी नहीं, डॉक्टर, चिकित्सक, वैज्ञानिकों को कमान दीजिए, वो संभालेंगे, तब आप देखिए कि आप स्वास्थ्य सेवाओं में और कोविड से लड़ने में कितनी परिपक्वता के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या कहना है आपका अमित जी इन बातों का? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में अपराधी भरे पड़े, मैं पूछना चाहता हूं विवेक भाई एक नाम बता दीजिए कैबिनेट में, विवेक सिंह कौन है? अरे मैं पूछ रहा हूं कैबिनेट में बताइए ना, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में कौन अपराधी है आपके, बताइए ना सरकार, मैंने आपसे पूछा, 14 विधायक ऐसे हैं, बताइए नाम, बताइए नाम, बताइए दर्ज है नाम, बताइए कैबिनेट का नाम, बताइए कौन मंत्री के ऊपर आरोप है, मुझे बताइए के ऊपर कौन सा आरोप, बताइए कौन सा मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप, बताइए कौन सा आरोप है मंत्री जी के ऊपर, विवेक जी और अमित जी देखिए, देखिए मेरी बात को समझिए, विवेक जी और अमित जी करेंगे एक मंत्री का, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, झूठों के नाम बताए, कौन से सरकार में कितने गुंडे थे इसका स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, प्लीज थोड़ा डेकोरम मेंटेन करके अगर डिबेट करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए अमित जी, कीर्ति जी, जब आरोप लगता है नहीं तो आरोप भी आरोपों को बताना,
कराची के मुकदमे बताओ ना आपको फर्जी मुकदमे नहीं फर्जी मुकदमे कैसे होते हैं आपने तो फर्जी मुकदमे एसएसपी थे अमिताभ ठाकुर ने स्वयं पोस्ट किया है उनकी फेसबुक वॉल पर देखिए अमिताभ ठाकुर किस तरीके की गाली थी अमिताभ ठाकुर झूठे हो गए एक आदमी झूठा हो गया देखिए अगर वो झूठे हैं अच्छा एक बात बताइए अच्छा एक बात बता दीजिए एक बात बता दीजिए एक बात बता दीजिए आपने उनको जबरिया रिटायर क्यों किया जबरिया रिटायर क्यों किया आपने अमिताभ ठाकुर को जबरिया रिटायर क्यों किया ये बता दीजिए करके बोलिए प्लीज मैं डंके की चोट पर लड़ाई का खाना नहीं है ये समाजवादी पार्टी के मंत्री आप लोग पार्टी प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर पार्टी के नाम को और भी खराब करना चाहते हैं मैं तो विनम्रता से अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ अमिताभ ठाकुर जी एक जिम्मेदार आईपीएस थे आरटीआई एक्टिविस्ट है आज की डेट में चलिए ठीक है हमने परेशान किया आपकी सरकार ने जबरिया रिटायर क्यों किया और सुन लीजिए दो दिन पहले अमिताभ ठाकुर की कौन सी बात है जबरिया रिटायर हुए हो फेसबुक पे दिखा देता हूँ राजनीति संवैधानिक पद पर गए के राजनीति करेंगे क्यों योगी सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा शुरू की नहीं पर इस आधार पे उनको जबरिया रिटायर किया गया बताइए ना इस आधार पे अमिताभ ठाकुर जी को जबरिया रिटायर किया गया मैं कहना चाहता हूँ जो आपकी नीतियों के खिलाफ जाएगा पति कौन था गायत्री प्रजापति कौन था कैबिनेट मंत्री कौन था बताइए ना कैबिनेट मंत्री कौन थे कौन था बताइए चिन्मयानंद कौन थे बताइए चिन्मयानंद कौन थे ये सब प्रसाद मोदी जी बताइए ना बताइए ना बताइए ना नाम बताइए आप मुझे बताइए ना बताइए ना बताइए ना क्यों अपने क्यों वापस ले रहे हैं केवल झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठ के कोर्ट में लड़िए ना विवेक जी और अमित जी अगर आप लोग का हो गया हो तो प्लीज इसको यहाँ एंड करें क्योंकि ये मछली मार्केट नहीं है जिस तरह से आप लोग बना दिए हैं डिबेट चल रही है तो डेकोरम मेंटेन करके अगर डिबेट को किया जाए तो मुझे लगता है थोड़ी अच्छा लगेगा मैं अपनी नहीं इस तरह से नहीं होता विवेक जी गलती आप दोनों की है प्लीज तो आप एक एक करके रखिए ना अपनी बात नहीं की विवेक भाई ठीक है मैंने कह रही हूँ प्लीज दिलीप जी आप ही स्पष्ट कर दीजिए कौन सी सरकार कितने गुंडा राज कौन सी सरकार में रहा है और किसके क्या रहा है ठीक है अपराधीकरण से कोई अछूता नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उनकी उनकी पार्टी में कोई अपराधी नहीं है तो ये कहना सरासर गलत है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ या कोई नहीं कह रहा ये एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि कितने अपराधी हैं और अभी जब सांसदी के चुनाव हुए थे तब भी एक डेटा आया था आप एक मंत्री का नाम बता दीजिए बस और अभी अभी अमित भाई जाके एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप मुझे नाम बता दीजिए ना दिलीप भाई आप बहुत सम्मानित है मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन तो आप कह रहे ना मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूँ कैबिनेट में एक मंत्री का नाम बता दीजिए जिसके ऊपर हत्या जैसा मुकदमा हो बताइए ना नहीं बताऊंगा नहीं तो कैबिनेट में अगर मंत्री आपने नहीं बनाया तो क्या बात साफ हो गए ये बताइए किस विधायक के ऊपर हत्या का आरोप नाम बताइए आप बताइए ना देखिए आपराधिक मामले हत्या कैसे किसके ऊपर उसको सजा किसने दी उसको सजा किसने दी उसको सजा दिलाने का काम किसने किया गलत बात मत करिए प्लीज हर पार्टी संरक्षण देती है और ये चीज देखने मिलती है कोई बात साफ नहीं है जो हो रहा था सब देखिए सरकार तो सुप्रीम कोर्ट ने तो गायत्री प्रजापति रविदास को कौन कितना पाक साफ है वो जनता को पता है और किसके पार्टी में कितने चोर बैठे हैं वो भी पता है बताने की जरूरत नहीं है लिस्ट लेके बैठ के जरूरत नहीं है आप लोगों सबको पता है ठीक मुद्दा चल रहा है 2022 के चुनाव का उस पर चर्चा करिए जी दिलीप जी कंप्लीट करिए अपनी बात को ये मैं कह रहा हूँ कि ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक संस्था है इस देश की बहुत बड़ी उसकी रिपोर्ट को सरकार मानती है सरकार मान्यता देती है उसी संस्था ने ये डेटा ला करके दिया डेटा मेरा या किसी और का नहीं है अब आप उस डेटा को झुटला दे तो अलग बात है वो आपका आपका अपना डिस्क्रिशन है आप माने चाहे ना माने लेकिन अपराधीकरण को बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ राजनीति से ही मिलता है ये भी एक सत्य है अपराध इस देश में फलता फूलता नहीं अगर उसको राजनीतिक संरक्षण ना मिला होता तो ये कहना कि हमारी पार्टी में कोई आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान नहीं है भले मंत्रिमंडल में है या नहीं है सांसद है या नहीं है आपके यहाँ सांसद भी है विधायक भी है मंत्रिमंडल में है कि नहीं इस बात पर मैं श्योर नहीं हूं लेकिन आपके पार्टी में भी और बाकी सभी पार्टियों में भी मैं कहता हूं कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसके अंदर अपराधियों को संरक्षण ना मिलता हो या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ना हो अगर आप लोग अपराध से दूरी बना लें तो इस देश में अपराध फल फूल नहीं सकता है विकास दुबे ने अगर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी तो ये आपराधिक ये राजनीतिक संरक्षण की ही हिम्मत थी या कोई भी अपराधी अगर अवैध जमीन पर कब्जा करके बैठा है या किसी भी अपराधी ने अपनी अथा संपत्ति बना ली है सरकार की जमीनों पर कब्जा कर लिया है तो वो राजनीतिक संरक्षण की ही वजह से होता है किसी अपराधी की
किसी माफिया की अपनी हिम्मत होती ही नहीं है, कोई माफिया पनप ही नहीं सकता समय समय पर हर बार किसी नेता का हाथ ना बिल्कुल ये समय समय पर हर बार देखने को मिला है। और हर बार मैंने अगर इस पर डिबेट भी करी है तो पूरे आंकड़े लेकर बैठी हूँ। और अमित जी, विवेक जी, दोनों को पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से कि किसकी गिरेवान कितनी साफ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये पहले सुनिश्चित कर लिया करिए ना, जब विधायकों को आप लोग चुनते हैं, जब किसी को चुनते हैं तो उसके टिकट देने से पहले देख लिया करिए ना उनका बैकग्राउंड कैसा है, क्या उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले दर्ज है या नहीं है, उसके बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल क्या करिए। कीर्ति जी, मैं एक बात और बता दूं, इस बात पर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने भी टिप्पणी करी थी और ये कहा था कि हर राजनीतिक पार्टी को अपने पार्टी के एक एक अधिकारी और जिसको चुनाव में टिकट दे रहे हैं उसका पूरा का पूरा बायोडाटा अपने साइट पर अपलोड करना चाहिए, लेकिन इस बात का कंप्लायंस कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करती है। कारण सिंपल सा है कि अगर वो डाल देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की अवहेलना हो जाएगी। इसकी पॉपुलैरिटी देखेंगे ना हम, ये थोड़ी देखेंगे उसके बाद मुकदमे कितने हैं, इसमें तो पॉपुलैरिटी चेहरा देखा जाता है। अगर ठीक है, अगर वो विनिंग कैंडिडेट है तो वो अपराधी ही सही। यही 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 चीज, यही मानसिकता है दिलीप जी, और ये लगातार देखते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं। खैर, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगी, मुद्दा है 2022 का चुनाव का, जिसपे लगातार मंथर होना है। बबीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। बबीता जी, रणनीति स्पष्ट नहीं करी, देखिए आपने कहा समय समय पर सरकार रहती है, लेकिन वो समय सुनिश्चित आपने क्या कर दिया था कि 30 साल तक आपकी सरकार कहीं नहीं रहेगी और आने वाले समय में भी आप वो रणनीति नहीं बनाएंगे कि आप सरकार को आ जाना चाहिए, तो उसको लेकर कोई रणनीति, कोई गठबंधन की ओर आप बढ़ने वाली है, ऐसी कोई चर्चा? मैं कहना चाहूंगी कि इस 2022 के चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्ले करने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और प्रियंका दीदी और हम सब कार्यकर्ता, हम लोग जो भी अच्छे नेता हैं वो मिलके उनका वर्चस्व बढ़ाएंगे। और ये 100% मैं वादा कर रही हूँ और इस मीडिया पे दोबारा आके डिबेट दूंगी कि बीजेपी को हम लोग 100% टक्कर देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। जी, टक्कर आप दे रहे हैं, बिल्कुल ये बात मैं बार बार सुन चुकी हूँ, लेकिन रणनीति क्या है, क्योंकि लगातार हमें देखने को मिल रहा है जो सबसे मजबूत पार्टी है बीजेपी, उसकी रणनीति सामने खुलकर सामने आ रही है, चाहे वो जन जागरण कराने से लेकर हो या फिर गांव-गांव जाकर बूथ स्तर पर उतर कर सांसदों को उतारना हो, रिपोर्ट कार्ड पेश करना हो, और दिल्ली में मंथनों का दौर तो सामने ही है सबके, तो कोई तो रणनीति होगी कांग्रेस की जिसको लेकर हम ये सुनिश्चित कर पाए कि हाँ नहीं, कांग्रेस मजबूती के साथ उतरेगी, वो रणनीति जी क्या? मैम जी रणनीति अगर बीजेपी ने तैयार कर रखी है तो मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगी कि कोरोना काल से लेकर के अभी तक जितनी लाशें उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में बही है उनको पहले वो गणना कर लें, और जितने भी वोटर हैं वो बेवकूफ नहीं है मैडम, उनके पाबंदियों पे जो आप लोगों ने खेल खेला है, बीजेपी ने जो लाशों पे खेल खेला है, जो उनकी ढेर लगा के और लाशों को ढकने का प्रबंध किया है, इसकी रणनीति जो है वो फेल है, टोटल फेल है, ये उत्तर प्रदेश में ये फेल हो चुके हैं मैडम। और किसी के भी घर में आप जाके देखिए, किसी भी जगह आप पूछ लीजिए, चाहे ये चंदा वसूली उत्तर प्रदेश कर ले, चाहे ये राम नाम के नाम पर बंटवारा कर ले, चाहे ये हिंदू मुसलमान कर ले, या जाके घर घर में जागरण कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो चलना था वो दौर चल चुका, ये खत्म हो चुके हैं मैडम, और ये 2022 में रिजल्ट इनको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दिखाएगी। ठीक है, हम लोग बैठे हैं उस मुद्दों के लेके, रिजल्ट दिखाएगी, हम भी देखने को तैयार है कि रणनीति किस तरह से सामने आती है। अमित जी, आपका जवाब देने के लिए उत्सुक हो रहे थे, लेकिन अमित जी मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, क्या इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जिसने खराब किया काम किया होगा, क्या उसका पत्ता साफ भी बीजेपी से होने वाला है? को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप इसको कहेंगे पहली बार, ये हर चुनाव में ऐसा ही होता है भारतीय जनता पार्टी में, रिपोर्ट कार्ड तय होंगे, रिपोर्ट कार्ड पे एक कमेटी बनेगी, कमेटी जाएगी विधानसभाओं में सीएम वाइस से, और जहां पर भी जो चीजें होंगी रिपोर्ट को आके पेश करेगी, और जो भी उस पर जो मेन कमेटी होगी वो डिसीजन लेगी कि करना क्या है। विधायक देखिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीजें हैं, लेकिन मैं जहां तक आपसे सवाल का जवाब कांग्रेस का देना जरूर चाहूंगा, इन्होंने कहा कि कोरोना काल में विफल हो गई होगी सरकार, मैं इनसे बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है ये जानती होंगी, लेकिन आज यहां पर मात्र एक्टिव केस 768 बचे हैं, और जहां पर इनकी सरकार है चाहे महाराष्ट्र और चाहे केरल, आप बताइए ना वहां पर 22,000 25,000 केस, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं वहां पर कैसे आ गए हैं, महाराष्ट्र में 10,000 के केस कैसे आ गए, वहां पर क्या काम किया गया? देखिए सुनिए कीर्ति जी, सबसे बड़ी चीज है उन्होंने अपनी बात कह दी,
मुझे अपनी बात कहने दिया, फिर आप मुझसे सवाल पूछेगा। मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, मैंने पूछा आपसे विधायकों का क्या, ठीक है बबीता जी एक मिनट में आ रही हूँ। अमित जी, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार क्या किया जा रहा है, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनको रखा जाएगा और उनको हटाया जाएगा, तो क्या ऐसी चीजों पर भी मंथन हो रहा है दिल्ली में कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर उनको हटाने की भी बात चल रही है कि जिनका काम अच्छा नहीं होगा उनका तुरंत पत्ता साफ कर दिया जाएगा बीजेपी से? नहीं नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले मैंने आपसे कहा कि जहां तक कि मंथन का विषय, मंथन में हर विषय पर चर्चा होता है, संगठन के हर पहलू पर चर्चा होता है, वो बूथ स्तर से लगा के मंडल जिले स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक की हर चीजों पर चर्चा की जाती है। अब जहां तक विधायक, जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, देखिए वो सरकार का अपना विषय है, सरकार क्या करती है वो सरकार तय करेगी, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर विधायक, देखिए सरकार के साथ तो आप जुड़े हैं ना, तो आपको पता तो होगा कि क्या मानक, वो कौन से मानक तय किए गए जिनके आधार पर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, विधायकों को हिदायत दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सरकार में इंटरफेयर नहीं करता है, पहली चीज ये चीज आपको स्पष्ट समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका वो मुझे पता है, ठीक है। दूसरी चीज है, देखिए ये पहली बार नहीं है, अगर अभी सांसदी का चुनाव जब 2024 में होगा तब भी कमेटियां बनाई जाएंगी, जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आपके क्षेत्र में विधायक का कामकाज कैसा रहा, जनता के बीच में लोग जाकर उसको देखेंगे और सर्वे करेंगे, फिर रिपोर्ट आगे आके पेश करेंगे, जब आगे जो हमारे आगे के नेता हैं उसको तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने, फिर मैं आपसे दोहरा रहा हूं, विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम सबका विकास, सबका साथ और सबके विश्वास के साथ हमने 5 सालों में क्या किया है इस पर हम जोर आजमाइश करने के लिए जनता के बीच जाएंगे। और हमारा प्रत्येक मंत्री जो उत्तर प्रदेश से अभी बने हैं, करीबन 7 जो नए केंद्रीय मंत्री बने हैं, वो जनता के बीच में जाएंगे, हर लोकसभा करीबन 4 लोकसभा को वो अपनी देखेंगे और उसमें आशीर्वाद यात्रा लेकर जनता के बीच जाएंगे और लोगों से पूछेंगे। और मेन जो अभी विवेक भाई ने कहा कि तीसरी लहर आने वाली है उस पर क्या तैयारी है, तो मैं इनको बता दूं 1,80,000 बेड अभी तक उत्तर प्रदेश में तैयार किए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन पर सांसदों को भी जोर दिया गया है कि अपने गांव-गांव अपने क्षेत्र में जाकर वैक्सीनेशन की व्यवस्था को सुनिश्चित करें और कहां पर कोई कमी आ रही है उसको भी देखने का काम करें। और आज ही आपने देखा कि बागपत में मुख्यमंत्री जी गए हैं, उन्होंने जिला अस्पताल में कई सौगातें दी हैं, वेंटिलेटर दिए हैं, आईसीयू बेड दिए हैं और कई ऑक्सीजन प्लांट इस समय मौके पर 194 जो प्लांट है ऑक्सीजन के वो काम करने लगे हैं। और आज जहां तक समय की नजाकत, अमित जी आप लोग को ये करने पर मजबूर भी कर रही है, इस समय की नजाकत है और इसको करना जरूरी भी है। अब तो बूथ बूथ स्तर जाकर पीएससी सीएससी का हाल भी जाना जाएगा, गोद लेने की बात हुई थी, पीएससी सीएससी कितने गोद ले लिए तो आपको भी पता ही होगा, कितने आपके विधायकों ने इसको गोद ले लिया। खैर मैं इन सब चीजों पे नहीं जाना चाहूंगी, जो बात आप कह रही है उस पर मैंने सिर्फ एक स्पष्टीकरण पेश किया। यहाँ पर बैठ के मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, विवेक भाई समाजवादी पार्टी से, बिल्कुल हो सकता हो कि हम अपनी अपनी पार्टी की बढ़ाई करने जाएंगे, लेकिन वोट जनता को ही देना है और 2014 से जनता ही वोट कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और किसको क्या दे रही है वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे 2014 हो, लगातार 2014 के बाद से चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम चुनाव हो, चाहे उप चुनाव हो, चाहे आपके पंचायती हो, चाहे ब्लॉक मुखी हो, उसमें बताइए ना, गर्दी से जीता जाता है, गुंडे बदमाशी से जीता जाता है, गुंडे बदमाशी तो आइए दिखाऊं महिलाओं का चीरा रन उत्तर, अरे तो मैं आपसे कहेंगे कि महिला का सम्मान नहीं है, वो सारे भाषा की मर्यादा आपको रोकनी पड़ेगी, यहाँ पर मर्यादा की भाषा टूटेगी तो फिर दिक्कत होगी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मवाली और स्त्री का प्रयोग होगा, कीर्ति जी आप इसको नहीं रोकेंगी, बिल्कुल मैं रोक बिल्कुल अमित जी मैं बोलने ही वाली हूँ, नहीं नहीं इस तरह की अगर प्लीज तो ये ठीक नहीं होगा, बबीता जी प्लीज, समाजवादी पार्टी की महिला का चीरहरण हो रहा था, अरे आपको इतना नहीं पता है कि उसके बाद सीओ स्तर तक के थाने सस्पेंड हो गए, इसको नहीं बताएंगे आप, केवल झूठ गुमराह करेंगे, आपके घर की बहू बेटी को सड़क पे उतार दिया जाए, उसके बाद थानों पे करवा दो, आप अपने बहू बेटियों की सुरक्षा कर लीजिए, राजस्थान में एनसीआरटी के आंकड़ों में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, वहां पर कब जाएंगी प्रियंका गांधी, उसकी चर्चा नहीं करेंगी, केवल उत्तर प्रदेश दिखाई देते हैं, केवल महिला के नाम पे राजनीति कर रही है।
बिल्कुल महिलाओं की राजनीति क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? देखिए क्यों नहीं होगी, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से पहले ये लिख लेना ना कि रिपोर्ट कार्ड में 00 स्थान कहां मिला है बीजेपी को, ये लिखना मत बोलना भाई। देखिए लोकसभा में अंडा, विधानसभा में अंडा पाने वाले आज राजनीति सिखाएंगे, तब तो हो चुका। जिनका कोई मौजूदगी नहीं है उत्तर प्रदेश में, जिनको ये नहीं पता है कि कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन श्री माननीय मोदी जी ने एक जगह को गोद लिया था वाराणसी के, आपको जगह का नाम याद है? अरे आप वहाँ गई हैं कि नहीं गई हैं? बनारस गई हैं अभी तक, गंगा गई हैं, गंगा में नहाई हैं, आपको पता है? आपको पता है? आप बताइए ना, आप बताइए, आप बताइए कि राजस्थान में महिलाओं की इतनी रेस्क्यू हो रहे हैं, आप बताइए किसान आंदोलन में महिला का रेप हो गया, किस राहुल गांधी ने आवाज उठाई या किस प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई? बताइए जो अभी बंगाल की लड़की का रेप हुआ किसान आंदोलन में, जवाब दीजिए। अमित जी और बबीता जी, देखिए मुद्दों को मत भटकाइए प्लीज, ठीक है ठीक है ठीक है, महिला गुमराह नहीं किया जा रहा है अमित जी प्लीज। देखिए ठीक है अमित जी और बबीता जी, विवेक जी आपका क्या कहना है, जिस तरह से लगातार ये जो अखिलेश यादव ट्वीट करके और आज उन्होंने कल तख्ती भी दिखा दी किसानों के साथ भी वो सामने आ गए, साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि दुर्दशा जो है वो दिल्ली जाके सही हो रही है, तो मंथन पे इतनी विचार क्यों किए जा रहे, क्या दिक्कतें हैं आप लोग को अगर बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है तो? नहीं किया तो अब मैं आपकी बात को मानते हुए मर्यादा रखते हुए मैं बोलूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कोई इंटरप्ट करे। किसान आंदोलन पे अगर सवाल उठेगा तो देखिए जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम किसानों के साथ थे हैं और रहेंगे। मैंने अभी इनके पेट्रोल और विकास की महंगाई की एक आंकड़े को सामने रखा, 6000 को 16 रुपए से पैमाने से मापते हुए कैसे 25 रुपए के एक्स्ट्रा तेल के ऊपर दिया जा रहा है, तो वो वाहवाही लूटने की बात है। दूसरी बात, किसान आंदोलन आंख की कील बना हुआ है देखिए मौजूदा सरकार की, और जिस तरह से इन्होंने अभी एग्जांपल दिया किसान आंदोलन का, हाथरस कांड में क्या हुआ था, सीबीआई अगर नहीं इन्वॉल्व होती तो ये तो बता रहे थे कि वहां पे तो कोई घटना ही नहीं हुई थी इस तरह की, और ये सब देखिए बहरहाल बयानबाजी और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पे न जाकर के मैं फिर कहता हूं कि मुझे लगता है कि हमें मुद्दों पे आना चाहिए। बिल्कुल मैं यही तो पूछ रही हूं, तकलीफ क्या है अगर बीजेपी में मंथन हो रही है? मैं निवेदन करता हूं कि 1 लाख से ज्यादा जो बेड तैयार किए गए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दें, पहले बताएं कहां कहां वो 1 लाख बेड है, क्योंकि तैयारी तो पिछली बार भी थी, लेकिन जब लोगों को समस्या सामने झेलनी पड़ी तो आपने भी देखा कि तैयारियों की पोल खुल गई, हाईकोर्ट ने कहा यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं, उसके बाद सुन लीजिए एक सबसे मुख्य बात जब बेड का जब लोगों की मदद करनी चाहिए थी, जिस तरह से चिल्लम चिल्ली मची हुई है, ये मछली मार्केट नहीं है। देखिए अभी जब मैं बोल रहा था आप चिल्ला रहे थे, अब जब मैंने आपकी बात कही आपकी बबीता जी से बात हो रही, मैं पूरी शांत मैं पूरी तरह से नहीं नहीं तो मैं चाहता इंटरप्ट करता भी नहीं तो बिल्कुल करते हैं आप, देखिए तो चलिए फिर इंटरप्ट करते हैं ना, तो करिए नहीं तो आप गलत बोलेंगे मैं सुन लूंगा क्या, हाईकोर्ट भी झूठ बोल रहा है, हाईकोर्ट ने कहा बताइए, हाईकोर्ट ने वो नहीं बताएंगे, हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव कहां थे, समाजवादी पार्टी ने बताइए काम बोलता तो चिल्लाने की जरूरत ही पड़ती गिरती, नहीं आप लोग कैसे इंटरप्ट कर रहे हैं, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर मुद्दे पे बात हो रही है या आप दोनों मछली मार्केट बना के इसको इंटरप्शन करने आए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं तो बोल रहा था बीच में क्यों कूदे, आपने मुझे मौका दिया था, मैं बोल रहा था ये बीच में आगत बोलेंगे तो मैं टिप्पणी क्यों, देखिए नहीं ये कोई बात नहीं होती अम्मा जी, आप लोगों की आवाज ही नहीं जा रही है, ठीक है आप चिल्ला लीजिए, आप लोग चिल्ला लीजिए, दिलीप जी मैं आप पर आ रही हूँ, ठीक है पहली सरकार ऐसी है।
अमित जी और वो देखिए आप लोग का ये चीज देख एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं ठीक है। दिलीप जी मेरा सवाल आपसे है, दिलीप जी मेरा सवाल आपसे है, क्या लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बड़ी ताकत होगी या फिर एक चुनौती होगी? साथ ही साथ मैं कांग्रेस की स्थिति को समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस ने यूपी में कई दशक तक राज किया, इस वक्त की स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं कांग्रेस की? देखिए कांग्रेस की स्थिति तो कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, और प्रियंका जी का एक चेहरा जरूर हुआ करता था कांग्रेस के पास, जिस पर लगता था कि कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी, तो पिछले चुनाव में प्रियंका जी के चेहरे को भी इस्तेमाल करके देख लिया गया है, और मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका जी का कोई जादू अब उत्तर प्रदेश में चल पाएगा। और अभी कुछ दिनों पहले मैं उस क्षेत्र में भी गया था, अमेठी, जो कई दशकों तक प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहा है और कांग्रेस का वो गढ़ रहा है, कांग्रेस को गद्दी उसी क्षेत्र से मिली है, और इतने दशकों बाद भी मुझे वहां ऐसा कुछ नहीं दिखा कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और वहां एक भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं था जिसको ये कहा जा सके कि हाँ ये कहीं से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र इतने दशकों तक रहा है, ऐसा कोई श्रेय इसको नहीं दिया जा सकता। दूसरा, कांग्रेस का कोई जनाधार अब उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस में कोई एक्टिविटी नहीं है जी। सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर लेना। जी तो कह रही है कि सालों में बड़ा बदलाव आएगा। नहीं, बबीता जी जरूर कहेंगी, बबीता जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम हार जाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ये उनका राजनीतिक धर्म है, उनको कहना है और उनको कहना चाहिए, उनको कहना भी चाहिए, लेकिन यहाँ कहने के साथ साथ करने की जरूरत है और कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है। बबीता जी आप आप, आप, आप सुन लीजिए, आप जब कुछ करेंगी तो जनता आपको अपने आप बता देगी कि आप क्या करेंगी। अब रही बात की योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा, तो योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना इसमें भाजपा की मजबूरी है। अगर ये आवाज उठ भी रही है कि योगी जी को हटा दिया जाए या इनके चेहरे पे चुनाव ना लड़ा जाए, तो भी भारतीय जनता पार्टी एटलीस्ट 22 के चुनाव में ये नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने जितनी तारीफों के पुल बांधे हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स लिए हैं, जितना भी उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया है, वो सारा का सारा श्रेय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को ही दिया है। और अभी बनारस में सम्मेलन हुआ था, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी है और उनके तारीफ की जगह जगह सुनने को आप सुन रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त मजबूरी है, और आप देखिए कि जो केशव प्रसाद मौर्या जी थे जो विरोध भी कर रहे थे, उनको भी ये इन प्रकारों ने शांत करा लिया गया है, और अब वो भी ये कह रहे हैं कि हम इसी चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो 22 तक चुनाव लड़ना तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, ये चेहरा नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि चेहरा बदल देंगे तो पब्लिक में इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब सारी तारीफ योगी जी के खाते में है तो फिर अगले बार के मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो जनता का जो रहा सहा विश्वास है वो डगमगा जाएगा। बिल्कुल, यानी कि चाहे जैसे भी हो अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना है, चाहे इसे ताकत समझ लीजिए या चुनौती समझ लीजिए, तो आने वाला वक्त ही दर्शाएगा। बबीता जी आप कुछ कह रही थी दिलीप जी की बातों का, आपको जवाब दे दीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज 2 दिन पहले की घटना बताने जा रही हूँ कि इस समय सिर्फ उत्तर प्रदेश में सीएम जी सिर्फ जाति समीकरण को लेकर के काम कर रहे हैं और खुलेआम खुले सड़कों पर मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, और इन्होंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ अपनी जाति समीकरण पे काम। आपको वोट नहीं मिल जाएगा ना, कंप्लीट फेलियर है योगी जी, कंप्लीट फेलियर, और ये आपको 2022 में बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। देखिए बबीता जी, जरूरी यहाँ पे ये हो जाता है कि आप उनके ऊपर तो कीचड़ उछाल रही है लेकिन अपना स्पष्टीकरण अपनी रणनीति नहीं बना रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है कि आप कांग्रेस को अपनी रणनीति बनाने की जरूरत है। आप ये मत, योगी जी का फेलियर जो है वो आपको पास नहीं कराएगा। बिल्कुल, नीति के किसी भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये सच्चाई है। रणनीति कोई जरूरी नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे बीजेपी की तरह वायरल करें, ये रणनीति हमारी है, हम कैसे प्ले करेंगे, वी आर द प्लेयर, ठीक है, हाउ टू प्ले द गेम। बिल्कुल, यू आर द प्लेयर, तो आप ये चीज अगर डिसाइड कर रहे हैं कि अगर आप योगी सरकार की विफलता दिखा के अगर आप सत्ता में विराजमान हो जाएंगे, सत्ता हासिल कर देंगे, तो यू विल प्ले लाइक दिस, आपकी इच्छा, अगर आपको इसी तरह से खेलना है तो आप इसी तरह से खेलिए, हालांकि हम बस रणनीति जानने की आपका प्रयास कर रहे थे। ठीक है अमित जी, मैं आप पर आना चाहूंगी, लगातार जिस तरह से दिलीप जी ने कहा कि अब तो चाहे कुछ भी हो, बाय हुक और बाय क्रूक, आपको लड़ना
सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही है, लेकिन आपके सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं, चाहे किसानों का मुद्दा ले लीजिए, क्योंकि अब तो फिर एक बार फिर सामने आ गया है, जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां वहां लगातार, और टिकैत जी ने भी एक बार फिर कह दिया कि उत्तर प्रदेश में फिर छवि खराब करने के लिए वो आ रहे हैं, तो लास्ट कमेंट इसको लेकर क्या कहना है, जल्दी प्लीज कम्प्लीट करिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव एक चुनौती होती है, और पूरी चुनौती के साथ और पूरी भागीदारी, पूरी संगठन की भागीदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, उस बार भी 2022 में चुनाव लड़ेगी। जहां तक कि किसानों के मुद्दे की बात है, जहां तक कि अभी आरोप लगा कि अपराध बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से तो कह सकता हूं, तो आपको लगेगा कि भाई तारीफ ही करेंगे, लेकिन आप जमीनी स्तर पर अपने कैमरे को रोक के जाइए और महिलाओं के बीच में और असर में जो हट के आम जनता उसके पास जाएंगे तो आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। और खेत के किसान, मैं भी किसान के परिवार से ही आता हूं, मेरे बाबा और पिताजी किसानी है, और आप जाइए सीतापुर के अंदर जहां पर लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, जहां पर लोग परेशान रहते थे, लोगों के पास जो कृषि बिगाड़ने से आज जो खुशी है वो आप जाइए आपको दिखानी चाहिए। हमें कोई चुनौती नहीं है, हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे, और 2014 में भी विकास पे गए थे, 2017 में गए, 2019 में गए, अब 2022 में जाएंगे, जनता तय करेगी। कि आप बात कर रहे हैं अमित जी, लगातार आईना हम दिखाते रहते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही है। आप मुझे बताइए, आईना दिखाते रहते हैं, आपने आपको बताया कि पीएससी सीएससी की हालत कोरोना टाइम में क्या थी, गांव गांव में किस हाल से लोग जूझ रहे हैं, मैं इन सब चीजों पे नहीं जाऊंगी, जनता ने खुद देखा है, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, कोरोना मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ उसका, मैं दो बार कोरोना पॉजिटिव हूँ, दो बार देखिए, नहीं तो नहीं, मैं उसकी व्यवस्थाएं मैं आपको वीडियो दे देता हूँ, अगर आप चलाइए टीवी पर तो लोगों को भी पता चल जाएगी सच्चाई क्या थी। केवल ये मेरी बात नहीं है, मेरे जैसे हजारों लोग वहां एडमिट थे, उनको जो सुविधाएं मिली है मैं बिल्कुल वीडियो दे रहा हूँ आपको उस समय के, और चलाइए टीवी पर आपको सुविधाएं पता चल जाएंगी। आप एक चीज तो देखती है लेकिन दूसरी चीज दिखाना नहीं चाहती है, ये चीज थोड़ा होती है। अरे आप तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जिनके एक विधायक नहीं है उत्तर प्रदेश में वो बिन बिन आ गए बैठकर टीवी पर, देखिए आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप बहुत परेशान है, आप मानसिक डिस्टर्ब हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो वीडियो दे दीजिए, जब जिंदा ब्राह्मण राजस्थान में जलाया गया था वो वीडियो कब देंगी? सारी वीडियो दिखी है जी, और सविता जी प्लीज, मेरे पास समय की कमी है। अरे शर्म खुद करिए प्लीज, अमित जी और बबीता जी प्लीज, थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज, नहीं बबीता जी प्लीज, टीवी पर अमित जी प्लीज, अमित जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से प्लीज, शब्दों की मर्यादा दोनों ही तरफ से बनी रहे तो अच्छा रहेगा, और डिबेट की भी मर्यादा आप लोग प्लीज बना के, नहीं मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी किसी भी तरफ से कोई भी बदतमीजी। बबीता जी प्लीज प्लीज, बबीता जी, बबीता जी प्लीज, प्लीज बनाए रखिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग इस तरह से सीधे पिन पॉइंट मत करिए, इसमें पता नहीं किस तरह डिबेट की जाती है, ठीक है, जिस तरह से बताने की आवश्यकता, ठीक है, वो दिख रहा है, तरीका दिख रहा है, ठीक है जी, दिख रही है टीवी पर, ठीक है अमित जी और बबीता जी, हम सारी फुटेज दिखा चुके हैं कोरोना काल में किस तरह से विफलता है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से लगातार 2022 को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि फुटेज दिखाने की जरूरत नहीं है, आईना लगातार मीडिया दिखाता रहता है, और प्राइम टीवी का भी यही माध्यम होता है कि जमीनी स्तर की सच्चाई दिखा, और हम वही करते भी रहते हैं कोरोना काल में, हालांकि जो चीजें फेस करनी पड़ी वो जनता खुद जानती है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, मुद्दे बहुत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस पर सरकार अपनी रणनीति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, बूथ बूथ जाकर जन जागरण अभियान भी चलाएगी अब, वही विपक्ष का क्या रुख होने वाला है इस पर यह भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम डिबेट।